दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य हर्षा श्री की लिखी कहानी मधुमालती। पापा देखिए वहां नर्सरी, चलिए ना मुझे प्लांट्स लेने हैं। गीतू ने सड़क की दाईं तरफ इशारा करते हुए गाड़ी रुकवाई। दिख गई तुम्हारी लाडली को नर्सरी, सारे खेल खिलौने एक तरफ, पौधे खुरपी एक तरफ। अंजलि हंस के बोली तो मैं भी मुस्कुरा दिया। गीतू अभी बस 11 की है, लेकिन पेड़ पौधों और बागीचे में उसकी जान बसती है। शायद अपनी माँ से मिला है उसे ये शौक। उन दोनों का बस चले तो जंगल से भी 10 पौधे लाकर घर में रोप डालें। कुछ दिन पहले ही हम आए हैं इस शहर में। मेरा ट्रांसफर हुआ, सरकारी नौकरी है, सो 2-3 साल से ज़्यादा किसी जगह टिकते नहीं हम। यहाँ घर सेट करने के बाद अब माँ बेटी दोनों मिशन गार्डन में जुटी हुई हैं। पिछली पोस्टिंग से कुछ पौधे यहाँ आ नहीं पाए और कुछ रास्ते में ख़राब हो गए, जिससे दोनों बहुत अपसेट थीं। तो उनका मन खुश करना ज़रूरी था, इसलिए अच्छे भले इतवार की नींद को कुर्बान करके यहाँ चला आया। चलो भाई, जो जो लेना है ले लो, मैंने गाड़ी रोकते हुए कहा। गेट के अंदर पहुँचते ही हम तीनों देखते रह गए। कोई जगह इतनी सुंदर, इतनी सलीकेदार होती है क्या? इंद्रधनुष का हर रंग था उसकी दीवारों में। छोटी छोटी दीवारों पर ट्राइबल आर्ट्स उकेरी गई थीं। जगह जगह पर कुदरत और बागबानी के लिए खूबसूरत कोटेशंस लिखे हुए थे। बनाने वाले की मेहनत और कला हर कोने में दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने पेंटिंग बना दी हो। हर किस्म के पौधों के पास उनकी ज़रूरतों की जानकारी का पोस्टर लगा था। एकदम अनोखी नर्सरी थी, यानी सिर्फ तफरीह के लिए आने वाला भी कुछ लिए बगैर जा नहीं सकता था। हमारे पहुँचते ही एक स्टाफ हमारे सामने आकर खड़ा हो गया। आइए सर, किस किस्म के प्लांट्स चाहिए, परमानेंट या सीजनल, क्रोटॉन्स या कैक्टस? कुछ अच्छे क्लाइंबिंग प्लांट्स दिखाइए ज़रा। अंजलि ने मुस्कुरा के टोका तो वो हमें दूसरी तरफ ले गया। ये देखिए मधुमालती, ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है, और ये क्लीमेटिस फूलों से लदी है इस वक्त, खुशबू आ रही ना। और ये फ्लेम वाइन, अगर आपके घर में बाउंड्री वॉल है तो ज़रूर लगाइएगा। ऑरेंज फ्लावर्स, तुम दोनों पौधे पसंद करो, तब तक मैं नर्सरी का एक चक्कर लगा लेता हूँ, मैंने बीच में टोकते हुए कहा। तुम लोग बाहर आ जाना शॉपिंग के बाद। मैं उस सतरंगी छटा को निहारते हुए आगे बढ़ गया। ऐसी जगह आकर इन दोनों में ऐसी एनर्जी आ जाती है कि क्या बताऊँ। और अभी तो मैं भी जल्दी करो कहते हुए साथ में घूम नहीं रहा हूँ, तो और मौज है दोनों की। बड़ी देर तक मैं दीवार पर लिखे कोटेशंस और पोस्टर्स पढ़ता रहा। सारा एरिया देखने के बाद एक माली को रोक कर पूछा, आपकी नर्सरी बाकी सबसे बिल्कुल अलग है, लेने वाला एक के बजाय 10 पौधे ले जाए, कहाँ से आते हैं ऐसे आइडिया? उसने मुस्कुराते हुए एक तरफ इशारा किया। सब मैडम के दिमाग की उपज है सर, इस नर्सरी की ओनर वही हैं। मैंने उधर देखा, अंजलि काउंटर पर बिलिंग करवा रही थी। वहीं बगल में नर्सरी की ओनर गीतू से बातें कर रही थी। इतनी सुंदर जगह के लिए एक कॉम्प्लीमेंट देना तो बनता है। एक्सक्यूज मी मैम, मैंने उन्हें आवाज़ दी। उन्होंने मुड़कर देखा और मैं हैरान रह गया। दूरवा, यहाँ इस शहर में? गुजरे हुए कल का एक काला पन्ना वक्त की किताब से निकलकर मेरे सामने खुल गया था। काश उसकी नज़र मुझ पर ना पड़े, मैंने मन में सोचा, और पौधों को देखने के बहाने दूसरी तरफ देखने लगा कि तभी गीतू ने मेरी शर्ट पकड़कर खींचा। पापा उधर नहीं, इधर देखिए, इन आंटी की है नर्सरी। बस अब बस वो देखेगी मुझे और आपे से बाहर हो जाएगी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मैं नर्सरी की तारीफ में क्या कहने वाला था मुझे कुछ याद नहीं। दुर्वा ने गीतू से कुछ कहते हुए मेरी तरफ देखा, लेकिन उसके चेहरे पर परिचय की हल्की सी परछाई भी नहीं थी। बेचैनी, हैरानी, गुस्सा, शिकवा, कुछ भी नहीं। इतने बरसों बाद किसी को अचानक देखकर खुद बखुद एक तुम यहाँ वाला जो भाव आता है वो चेहरे पर कहीं नहीं था। जैसे मैं भी बाकी कस्टमर्स जैसा ही हूँ। उसने मुझे पहचाना नहीं? इतना बदल गया क्या मेरा चेहरा? ये सब बाद में सोचूंगा, अभी तो मैं जल्दी यहाँ से निकलना चाह रहा था। सच में मैम, आपने बहुत यूनिक तरीके से मेंटेन किया है इस जगह को। मेरे हस्बैंड को गार्डनिंग का ज़्यादा शौक नहीं है, पर यहाँ तो इन्हें भी बहुत अच्छा लगा। अंजलि मेरा हाथ थामते हुए बोली तो उसने मुस्कुराकर थैंक यू कहा और गीतू को मार्बल मनी प्लांट की एक कटिंग पकड़ाते हुए बोली, ये स्वीटू बच्चे के लिए छोटा सा गिफ्ट।
मैं यहाँ आने वाले आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों को गिफ्ट ज़रूर देती हूँ। अच्छा लगता है जब बच्चे नर्सरी आते हैं। थैंक यू आंटी। गीतू की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब चलें, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैंने उन दोनों से कहा। गीतू ने बाय किया तो उसने भी हाथ हिलाया। फिर आना बेटा, एक हफ्ते में विंटर सीजन के पौधे आ जाएंगे। कुछ देर पहले तक मैं डर रहा था कि वो मुझे पहचान न ले, लेकिन अब उसके अजनबी बर्ताव ने मुझे उलझन में डाल रखा था। ऐसी क्या वजह थी जो वो मुझसे इस कदर अनजान बनी रही? हालांकि उसके साथ मैंने जो किया है उसके बाद वो मुस्कुराकर मेरा हालचाल पूछती, इसकी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं थी, पर कोई एक्सप्रेशन तो आता चेहरे पर। मैं समझ नहीं पा रहा था कि उसने मुझे सचमुच नहीं पहचाना था या ऐसा करके वो अपनी नाराजगी जाहिर कर रही थी। क्या चाहता था मैं? उसने मुझे अनदेखा कर दिया था, कहीं इस बात से मेरे ईगो को ठेस तो नहीं पहुंची थी? गाड़ी में बैठते हुए मैंने पलट कर देखा। पीले रंग की साड़ी में वो बेहद फुर्ती से अपने किसी असिस्टेंट के साथ उसे कुछ समझाती हुई घूम रही थी। बीच बीच में हाथ उठाकर किसी को आवाज़ लगाती, किसी पौधे की झूलती डाल को सीधा करती। ये दूरवा 15 बरस पहले की उस दूरवा से कितनी अलग थी? नहीं, शायद बिल्कुल पहले जैसी थी। अंजलि और गीतू को बागीचा सजाने के लिए नए नए आइडियाज़ भी मिल गए थे। मन खुश हो गया आज तो, फिर से आएंगे भाई, 5 मिनट का तो रास्ता है। अंजलि हमेशा की तरह अपनी खुशी मुझसे बांट रही थी, लेकिन आज मेरा बात करने का बिल्कुल मन नहीं था। घर पहुंचकर मैं सोफे पर लेट गया। सर दर्द हो रहा है, मैं ज़रा रेस्ट करता हूँ, कहते हुए मैंने आँखें बंद कर लीं। यादों की जिस खिड़की को बरसों पहले जंग लग गया हो, वो कभी कभी चंद लम्हों की दस्तक से खुल जाया करती है। आज मन मेरे न चाहते हुए भी बार बार मुड़कर 15 साल पहले वाले उस अंबर की तरफ देख रहा था। उन दिनों मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, दूरवा मेरी ही क्लास में थी। मैं जितना संकोची था वो उतनी ही बातूनी और मस्त मौला। एक अजीब सी ऊर्जा थी उसमें, सबकी मदद करने और छोटी छोटी बातों में खुशियाँ देखने वाली। जिस जगह होती वहाँ का माहौल अपने आप खुशनुमा हो जाता। वो IPS बनना चाहती थी और मैं IAS। सिविल सर्विसेज के साझा सपने ने हमें एक दूसरे के करीब ला दिया था। वैसे तो मैं पढ़ने में काफ़ी तेज था, लेकिन नए विषयों को समझने में दूरवा का कोई जवाब नहीं था, खासकर जनरल नॉलेज। मैं 5 घंटे में जितना पढ़ता उतना वो 2 घंटे में पढ़ लेती। पढ़ाई की प्लानिंग इस तरह करती कि समय का सबसे अच्छा उपयोग हो सके। वो कहते हैं ना, स्मार्ट स्टडी, वही। ये प्लानिंग हो ही नहीं पाती थी मुझसे, इसलिए मैं उसके साथ तैयारी करने लगा। हम एक साथ पढ़ते और नोट्स बनाते। वो मुझे अच्छे आंसर्स लिखने की ट्रिक्स बताती। दूरवा, तुम नहीं होती तो मेरी तैयारी इतनी अच्छी कभी नहीं हो पाती, एक दिन मैंने उससे कहा तो वो हंसने लगी। अरे कैसे नहीं होती, ऐसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, हम दोनों साथ में सेलेक्ट होंगे। क्या मज़ा आया अगर हम एक ही ज़िले में पोस्ट होके आए। अच्छा चलो अब लाइब्रेरी। बड़े अधिकार से मेरा हाथ थाम कर चलती हुई दूरवा को देखकर एक सपना बुनने लगा था मैं। काश ऐसा हो जाए। धीरे धीरे वो मेरे लिए दोस्त से ज़्यादा हो गई थी, और शायद मैं भी उसके लिए। कहा न मैंने था न उसने, लेकिन जानते हम दोनों ही थे। स्टेट सर्विस के प्रीलिम्स और मेंस हम दोनों ने पहली कोशिश में पार कर लिए थे। ऑल द बेस्ट हम दोनों को। सिलेक्शन हो जाए तो माँ पापा के साथ तुम्हारे घर आऊँगा अंकल से मिलने। मैंने इंटरव्यू की तैयारियों के दौरान इशारों में उसे अपने मन की बात आखिर कह डाली थी। प्रपोज कर रहे हो? उसने इतने कॉन्फिडेंस से मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मैं सकपका गया। तुम भी ना, चलो मान लो ऐसा ही है। तो कुछ नहीं, पहले इंटरव्यू दो अच्छे से, बाकी बातें बाद में। हमारे इंटरव्यू एक ही दिन पर होने थे। मुझे हम दोनों के सिलेक्ट हो जाने का पूरा यकीन था। तैयारी ही ऐसी थी। मैं सही समय पर सेंटर पहुंच गया, लेकिन दूरवा नहीं आई। उसका फोन भी नहीं लग रहा था। उसके सिवा सबके इंटरव्यू हो गए। मैं हैरान परेशान उसका रास्ता देखता रहा। तभी हमारे क्लासमेट जतिन का कॉल आया। अंबर यार, दूरवा का एक्सीडेंट हो गया। कब किस तरह मैं हॉस्पिटल पहुंचा था कुछ याद नहीं। क्या हुआ होगा, वो ठीक तो होगी ना? ऐसा लग रहा था जैसे मेरा दिल धड़कना बंद कर देगा।
दूरवा आईसीयू में थी। उसकी हालत नाजुक थी, इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा था पूरे शरीर में। डॉक्टर्स को डर था कि कहीं वो इन्फेक्शन की वजह से अपना पांव न खो दे। जतिन उसके पापा को संभालने की कोशिश कर रहा था। हम सब ने प्रार्थनाएं की लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। जिंदगी वापस हासिल करने के लिए उसे अपना एक पैर खोना ही पड़ा। सब कुछ इतनी तेजी से घट गया कि मैं खुली आंखों से भी यकीन नहीं कर पा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे सुंदर सलोने सपने में खोए किसी बच्चे को झकझोर कर नींद से उठा दिया गया हो। मेरा रिजल्ट आ गया था। पूरे प्रदेश में 10वीं रैंक आई थी। छोटे से कस्बे का 2 कमरों वाला प्लास्टर झड़ा घर एक झटके में लाइमलाइट में आ गया, एक नए पते के साथ। वो जिनका लड़का डिप्टी कलेक्टर बना है, उनका घर। माँ, पापा, भाई, बहन सबके चेहरे पर इतनी खुशी और गर्व मैंने आज तक नहीं देखा था। मैं अचानक ही खुद को बहुत जिम्मेदार महसूस करने लगा। इतनी तपस्या के बाद ये वक्त आया है, बस अब सब अच्छा हो। अचानक लगा सब कुछ ठीक होता तो आज दूरवा के शहर में उसके घर पर भी ऐसा ही माहौल होता। लेकिन अखबार और न्यूज़ चैनल वालों को इंटरव्यू देते देते ये बात उतनी गहराई तक याद ही नहीं रही। नया नया नशा था सफलता का। जिंदगी में एकदम से यू टर्न आ गया था और इस चमक के आगे मिडिल क्लास घर की सिंपल ग्रेजुएट और एक पांव वाली दूरवा धुंधली पड़ गई थी। मैंने सोचा था कि हम दोनों की अच्छी नौकरी से घर की हालत बेहतर हो जाएगी और जिंदगी थोड़ी आराम दे। भाई बहन को भी ज़्यादा अच्छे स्कूल में पढ़ा सकूंगा। लेकिन इस एक्सीडेंट से मेरे सपने कांच की तरह टूट गए थे। जोड़ घटाना गुणा भाग की मिलावट वाली मेरी कैलकुलेटिव मोहब्बत के सारे समीकरण गलत हो गए थे। मैंने एक आध बार उसका हालचाल लेने के लिए फ़ोन किया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता 2 कॉल्स के बीच का गैप बढ़ता चला गया। कहाँ हो अंबर, बहुत बिजी हो गए हो लगता है। कॉल करते भी नहीं, कॉल का रिप्लाई भी नहीं देते। दूरवा का वॉइस मैसेज आया उस दिन। ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है दूरवा, बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। करता हूँ फ्री होके, देखो कब फुर्सत मिलती है। मैंने एक टेक्स्ट मैसेज भेजकर रिश्ते की खिड़की पर अपनी तरफ से सांकल लगा दी। इस बीच शादी के लिए प्रपोजल्स भी खूब आ रहे थे। इतने अमीर घरों और क्वालिफाइड लड़कियों के रिश्ते थे कि मैं खुद ही समझ नहीं पा रहा था। माँ ने इशारों में मुझसे पूछा भी कि अगर मुझे कोई पसंद हो तो बताऊं, मेरी पसंद ही उनकी पसंद होगी। मेरे जहन में एक बार हॉस्पिटल में आखिरी बार देखा हुआ दूरवा का पट्टियों वाला चेहरा और पांव कौंधे और मैंने ना में सर हिलाया। मेरी कोई पसंद नहीं माँ, जो आप दोनों को ठीक लगे। मैंने दिल को तसल्ली दी कि उससे कोई वादा नहीं किया था, साथ जीने मरने की कस्में भी नहीं खाई थी। कभी नहीं कहा था कि मैं उससे, हाँ कुछ था, कुछ तो था हम दोनों के बीच। मुझे लगता था कि प्यार है, लेकिन वो प्यार नहीं, करियर का जुनून था बस। कामयाब होने की चाह ने जोड़ा था हमें। ये सच है कि मैं दूरवा के साथ अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहता था, पर अब जिस पोस्ट और पोजीशन पर मैं पहुंच गया था, जो जिंदगी मेरे सामने थी, उसमें ये रिश्ता मिसफिट था। इतने स्ट्रगल के बाद ये मुकाम हासिल किया है, मुझे हक है इसे एंजॉय करने का। और मैंने उन तमाम रिश्तों में से हाई कोर्ट के जज की इकलौती बेटी अंजलि के लिए हाँ कर दी। पापा उठिए ना, शाम हो गई। गीतू ने हिलाया तो मैं अतीत से आज में लौट आया। उसे गिफ्ट मिला था इसलिए वो काफ़ी खुश थी। मम्मा, वो आंटी कितनी प्यारी थी ना, आप काउंटर पे थी तो मैंने उनसे खूब बातें की। बोल रही थी कि वो हर संडे बच्चों को सिखाती भी हैं, मैं भी जाऊँगी पापा, उसने मनी प्लांट को पानी में डालते हुए कहा। लेकिन मैं तो उनका नाम पूछना ही भूल गई। दूरवा, दूरवा ठाकुर नाम है उसका, एकदम से मेरे मुंह से निकला तो अंजलि ने मेरी तरफ देखा। हाँ सच्ची इतनी बातें कहीं लेकिन नाम पूछना याद ही नहीं रहा। मैं सकपका गया। अरे एक स्टाफ से पूछा था कि ओनर कौन है, उसी ने बताया। आज मुझे ऑफिस में कुछ काम है, निकलता हूँ। मैंने गाड़ी में बैठते हुए हाथ हिलाया और ऑफिस चला गया। 3 दिन बीत चुके थे। एक अजीब सी बेचैनी थी, घर ऑफिस कहीं भी मन नहीं लग रहा था। बार बार उसी की तरफ भाग रहा था।
शहर के पॉश एरिया में इतनी बड़ी नर्सरी, आखिर कैसे हासिल किया दूरवा ने ये सब? चल भी बड़े आराम से रही थी, शायद जयपुर फुट लगवा लिए हों। किसने साथ दिया होगा उसका? हो सकता है किसी पैसे वाले शख्स से शादी हो गई हो उसकी। हाँ, यही हुआ होगा। मैंने खुद को बहलाया, लेकिन न जाने क्यों उसकी कामयाबी से खुश नहीं हो पा रहा था। शायद अपना स्टेटस उसके आगे छोटा लगने लगा था। अंबर सुनो, मैंने गीतू का नाम लिखा दिया है वो गार्डनिंग वाली ट्रेनिंग के लिए। उसका बहुत मन है। अच्छा ना, थोड़ी गाइडेंस मिल जाएगी। अंजलि ने खाना खाते हुए कहा तो मैं टेंशन में आ गया। कोई और जगह होती तो मैं खुद वहाँ गीतू को ले जाता, लेकिन यहाँ मुझे यकीन था कि दूरवा ने भले ही उस दिन जताया ना हो, लेकिन पहचान तो लिया है। इतना भी नहीं बदला मेरा चेहरा। कहीं मेरी गैर हाजिरी में कोई पुरानी बात चल निकली तो मुझे एक बार उससे मिलना ही होगा। मैंने जो भी किया वो शायद ठीक नहीं था, लेकिन मैं अपनी पत्नी और बेटी की नजरों में गिरना नहीं चाहता था। उन दोनों से बहुत प्यार करता था। अभी 3-4 साल तक मुझे यहीं रहना था और पुराने रिश्ते की तलवार के साये में सहम कर नहीं जिया जा सकता था। अगले दिन शनिवार था। मैं ऑफिस जाते वक्त हिम्मत करके दूरवा से मिलने चला गया। अरे सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? कपूर तुलसी और लौंग तुलसी के पौधे हैं क्या? एक एक निकाल दो। आज तुम्हारी मैडम नहीं है क्या? मैंने आवाज में एक बेपरवाही लाते हुए माली से पूछा। मेरी बेटी बोल रही थी उनसे मिलने के लिए, कल क्लास करना चाहती है। जी वो तो है नहीं अभी, आइए पौधे देख लीजिए। वो जाने लगा तो मैंने रोका। नहीं नहीं, अभी रहें दो, मैं बेटी के साथ आऊँगा लेने। तभी किसी ने उसे आवाज़ दी। आया सर, आवाज लगाते हुए उसने मुझसे कहा। साहब बुला रहे, मैं जाता हूँ सर, आप भेज दीजिएगा बिटिया को 4 बजे, हैं? मैंने थोड़ा गला साफ किया, बनावटी खांसी की और झिझक के पूछा। साहब भी हैं कोई? ओनर तो मैडम है ना? मेरे पूछने पर उसने टेम्पो से गमले उतरवाते एक व्यक्ति की ओर इशारा किया। वो जतिन सर, मैडम के हस्बैंड। जतिन? जतिन से शादी की है दूरवा ने? मैंने उस तरफ नजर घुमाई। वो हमारे कॉलेज वाला जतिन ही था। एक ही जगह पर कितने सरप्राइज थे मेरे लिए। मैं रात भर बेचैनी से करवटें बदलता रहा। ये क्या हो गया था मुझे? सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। जिस वक्त दूरवा को मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैंने बड़ी आसानी से उसे अपने हाल पर छोड़ दिया और पलट कर नहीं देखा। जतिन ने मुझे फोन भी किया था पर मैंने खास रिस्पॉन्स नहीं दिया, बड़ी चतुराई से टाल दिया था। कैसे उसने संभाला होगा सब कुछ? कैसे दोबारा खड़े होने की हिम्मत जुटाई होगी? मुझे अपनी ही सोच पर अफसोस हुआ कि आज भी मैंने सोचा तो सिर्फ ये कि कहीं पत्नी को बेटी को सब पता न चल जाए, और ये कि आखिर वो शहर के इस एरिया में इतनी बड़ी प्रॉपर्टी की मालकिन कैसे बन गई। उसकी मंजिल की ऊंचाई दिखी मुझे, पर सफर की तेज धूप नहीं देख पाया। उस धूप में छाया बनने वाले जतिन को नहीं देख पाया। पढ़ाई में हमेशा मुझसे पीछे रहने वाले उस साधारण से लड़के के सामने कितना छोटा हो गया था मैं। अगले दिन गीतू की ट्रेनिंग क्लास थी। मैं उससे पहले ही नर्सरी चला गया। कुछ माली और स्टाफ काम में लगे हुए थे। दुर्वा कोने में थी पाम के ढेर सारे गमलों के संग, डायरी में कुछ नोट करती हुई। हरे पौधों के बीच हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में किसी खिले हुए गुलाब सी, बाल उसी दिन की तरह हवा में उड़ रहे थे। मुझे याद आया, प्रपोज कर रहे हो? उसके इस मासूम सवाल पर मैंने कहा था, मान लो ऐसा ही है। क्या सचमुच किसी वादे किसी इजहार की जरूरत थी इसके बाद? आत्मविश्वास से भरी इस दूरवा की पीठ पर 15 बरस पहले की 2 आंखें दिख रही थी मुझे, मेरा रास्ता देखती मेरे छल के दर्द से भीगी 2 आंखें। मैं उसे आवाज देना चाहता था पर गला रुंध रहा था। लग रहा था जैसे एक शब्द भी कहा तो रो पड़ूंगा। एक वक्त था जब इन आंखों इस चेहरे और इस नाम से मेरी जिंदगी जुड़ी हुई थी, लेकिन आज होंठ सिल गए थे। दूरवा, मैं हिम्मत करके उसे पुकारने ही वाला था कि वो खुद ही मुड़ी और हमारी नजरें मिली, लेकिन केवल एक पल को। कैसे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वैसे ही चुपचाप डायरी में कुछ नोट करती रही। दूरवा, मैंने जो किया तुम्हारे साथ वो छल था। मेरे पास कोई सफाई नहीं अपने किए की।
जब मुझे तुम्हारा साथ देना था मैंने तुमसे किनारा कर लिया। I'm really sorry, माफी के काबिल तो नहीं हूँ, लेकिन माफ कर सकोगी क्या? मेरी आवाज़ कांप रही थी, मैं अपनी धड़कनों की रफ्तार को महसूस कर रहा था। लग रहा था जैसे किसी इम्तहान का नतीजा आने वाला है। माली भैया इधर सुनिए ज़रा, उसने मेरी तरफ देखे बगैर अपने एक माली को बुलाया। जतिन सर को बोल दीजिए आज ऑर्किड जाने वाले हैं, एक बार देख लें सब ठीक है ना। और इस मधुमालती की बेल पे अब सपोर्ट क्यों लगा दिया? कमज़ोर थी तब चाहिए था सहारा, अब तो काफ़ी मजबूत हो गई बेल, ये देखिए। उसने पौधे को ज़ोर से हिलाया। हाँ मैडम, अब तो बढ़िया फूल भी खिलने लगे हैं। माली ने सपोर्ट हटा दिया और लेकर चला गया। बेल हवा के झोंकों के संग लहरा रही थी। उसने नर्म गुलाबी फूलों का एक गुच्छा तोड़कर अपने बालों में लगाया और मेरी तरफ देखे बगैर उस तरफ बढ़ गई जिधर से जतिन की आवाज आ रही थी। बस इतनी सी थी ये कहानी।